नमस्ते, जय हिंद, जय किसान। कैसे हैं आप? देखिए, कल की वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था, तो बहुत बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ये कमेंट भी किया, कुछ लोगों ने हमें टैग भी किया, हमें पोस्ट पे भी लिखा, फेसबुक पे भी। तो अगर आप भी हमारी फेसबुक पे नहीं है तो टेक्निकल खेती पर जाइए, और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, और हमको फॉलो भी कीजिए, तो वहां पर भी हम आपसे संपर्क में रहते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि एक तो सब्जियों के बारे में कुछ बताएं कि सब्जी से हम किस तरीके से ज्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, गन्ने के मुकाबले सब्जी से हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं। गन्ने से वही किसान ज्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, जिनके पास जमीन ज्यादा है। ठीक है, गन्ने की फसल को पक्की फसल कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि वो एक ठोस फसल है, वो बर्बाद नहीं होती है। उसमें कम लागत, मतलब लागत जितनी भी लगती है वो ठोस होती है, नुकसान के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और गन्ने का जो रेट होता है वो भी लगभग अच्छा ही मिलता है, 300 के आसपास, वरना तो जो कलेसर होते हैं, जो कोल्हू होते हैं, वहां पर भी रेट ठीक ठाक मिल ही जाता है। तो आप सब्जियों का और दालों का बिजनेस कर सकते हैं। सब्जियां जो मौसम की होती हैं, आप वो बोएंगे, वो बेचेंगे, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन एक और तरीका है दोस्तों, ग्रीन हाउस का नाम आपने कभी सुना होगा, पॉली हाउस का नाम कभी आपने सुना होगा। अगर आपके पास थोड़ी जमीन है, कम जमीन है, लेकिन पैसा है थोड़ा सा लगाने के लिए, तो आप इस सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं। सब्जी की खेती मैं नहीं कह रहा, सब्जी का बिजनेस। कैसे? देखिए, सब्जी की खेती वो किसान करते हैं जिनके पास पैसा कम होता है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी छोटी सी जगह में भी एक ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं, 1-2 लाख रुपए आप खर्च करके वहां पर उन सब्जियों को बोए जो इस मौसम में नहीं है। बेमौसम की सब्जियों को पॉली हाउस में बोया जा सकता है, और बेमौसम की सब्जियां हमेशा महंगे रेट से बिकती हैं, समझे? इसीलिए पॉली हाउस के जो करने वाले बिजनेसमैन या किसान, हम उनको कहें, वो करते हैं, वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा इतना है कि आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं बिजनेस के पर्पज से, देखिए, जिन लोगों के पास पैसा होता है, कोई लोग कोल्हू यानी कि कलेसर भी लगाते हैं, है ना, तरह तरह के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 2-3 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या इस तरीके की अपने लिए एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, और वहां पर सब्जियों की फसल ले सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे जरूर बताइएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ सर्च कर रहा हूं कुछ। देखिए, आजकल एक तो लॉकडाउन, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, अगर हम ही रूल्स को तोड़ेंगे तो फिर फॉलो कौन करेगा। तो मैं जानता हूं कि हमारे चैनल पर ज्यादातर युवा किसान है, युवा पीढ़ी है मेरे साथ में जुड़ी हुई। लगभग 40 साल की उम्र तक के ज्यादा से ज्यादा लोग हमको देखते हैं, और यूं तो 60-70 साल तक के भी बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, मैं उन सभी को नमस्कार बोलूंगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और न सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हमारी वीडियो देखी जाती है। तो जहां जहां पर भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और लगभग 6,000 की हमारी ये जो है पूरी फैमिली हो चुकी है सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे किसानों से भी मिलवाऊं जो कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में सब्जियों की पैदावार लेते हैं और पैसा कमाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन हुआ है ना, तो हम जा नहीं सकते एक तो कहीं भी, सबसे बड़ी समस्या ये भी है ना। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कुछ किसानों की, जिनके हम संपर्क में हैं, जाकर किसी दिन आपको विजिट कराएं। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है नीचे कमेंट जरूर किया करें, और आपके जो विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दिया करें। अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वैसे भी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का बहुत पैसा खर्च करी है सरकार तो, लेकिन देखो, पता नहीं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी अपने लिए तो है ना, घर से बाहर बिना वजह, बेवजह नहीं निकलना है, ठीक है। जय हिंद।